بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو السلم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم أسألوا أن الذكر كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. तो इस वक्त रोड की हालत है आपको इजाजत हो चुका है और उसी में पिछले वजह सात बजे से सात सवा सात बजे तक निकले थे वहाँ से यहाँ तक में आधे घंटे में पहुंचे उन्हें तीन तरीकों से कुछ गाड़ी में कुछ पैदल और कुछ बाइक वाला जो हालात है उसी के हिसाब से जो इसी हमारा काफ़ी तो हो गई मान तो चाहता हूँ अगर देखते हैं नहीं थी लेकिन बात हमारी जो चल रही थी मसाइल जब है वो लोकाता के आकाम थे माल के आकाम के जो रूसदा कहीं से मिल जाए उसको क्या करना चाहिए कुछ उदाहरण तो मैं दे चुका था मैं उनको तकरार किए बगैर आगे बढ़ा रहा हूँ बात को कि जो माल हमें कहीं से मिला है लोकता का मैार अगर आपके जेबों में हो वो माल जो आम तौर पर उम्मीद जगहों से इंसान को मिलता है पब्लिक प्लेसेस से इंसान को मिलता है सड़कों से बाजारों से वो लुकाना कहलाता है और जब इंसान जब तक इंसान ये जेब उठाना बस उनको में मुमकिन लापरवाही हो जाए क्योंकि इतना माल हो कि आपको पता है कि अगर ना उठाया जाएगा तो जाया हो जाएगा गलत हो जाएगा तो शायद उठाना वाजिब हो जाए लेकिन नॉर्मली लुकाना उठाना आप पर वाजिब नहीं बल्कि बात उसको पे तो मकरूह है जब आपको मालूम हो कि जहाँ पड़ा हुआ है अगर मैं उठा के ले गया तो माली ढूंढता हुआ आएगा तो इसको मिलेगा ही लेकिन छोड़ जाऊंगा तो ढूंढता ढूंढता आएगा तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा तो इस सूरत में तो उठाना भी मकरूह है लेकिन नॉर्मली वाजिब नहीं है आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी भी कोई चीज देखें तो आप उसको उठाए लेकिन एक मरतबा अगर आपने उठा लिया उठा लिए तो मना दें कि आपका तसल्लुत उस पर आ गया चाहे आप अपना माल समझ के उठाए बाद में देखा हो ये तो मेरा ही है आपने जो है हजरत अली की बिना पर उठा किसी की वजह से एक दफा आपके हाथ लग गए उस चीज को और आपने उसको पकड़ लिया तो अब ये चीज आपकी गर्दन पर आ गई अब चाहे आप छोड़ के बैंक पर आ जाए ये देखे कि ये तो मेरी तो नहीं है वही छोड़ दी अब छोड़ भी दी लेकिन वो चीज आपकी वजह से वो आपकी याद नहीं छोड़े इतनी आसानी से अब उसकी भी खुशियात है जो भी सूरत हाल बनती है उसके हिसाब से आपकी जिम्मेदारी जो बनती है वो जिम्मेदारी आपको बाजार पूरी करनी पड़ेगी ये एक बात दूसरी बात ये कि पिछली दफा का किया था कि बाद चीज पर कोई अलामत होती है बाद चीज पर कोई अलामत नहीं अलामत से मुराद कोई कोई नाम लिखा हुआ कोई भी उस चीज की खसूसियत उस हिस्से पर कोई भी उसकी कैफियत उसकी हालत के जिसके जरिए मालिक को तक पहुंचाया जा सके मालिक को पहचाना जा सके वो उसकी कहलाएगा कि इसमें कोई अलामत है अब हम बिल्कुल कोई भी जैसे समझे चेयर तो मैंने कल इसकी दरी की मिसाल पेश की थी पिछले हफ्ते चेयर की कर देते ये चेयर सड़क में नहीं मिल जाए आपको कोई इसके ऊपर अलामत नहीं है ना किसी का नाम छपा हुआ है किस जैसी यहीं पे अच्छी खासी पड़ी हुई है तो सिर्फ यही पे नहीं होगी बहुत दूसरी जगह पे भी होगी ये बगैर अलावा की चीज मगर कि ये खुद इसका रंग इसकी शक्ल या इस जैसी चीज खुद एक अलामत बन जाए ये नहीं हो सकता बात कंडीशन में लेकिन नॉर्मली वो चीजें के जो परावान है मार्केट में और उनके ऊपर कोई खास अलामत अलग से न लगाई जाए तो वो नॉर्मली कॉमन चीजें होती है जिनके ऊपर कोई अलामत नहीं होती 10 रुपए का नोट मिल गया ऐसे हजारों नोट मार्केट में 10 रुपए के अब उस पर कोई खास अलामत भी नहीं है तो ये कहलाएगा लोहा गुमा हुआ माल जो आपको मिला है अब अगर अलामत ना हो माल पर तो आगे सीधा ये फरमाते हैं कि अगर माल पर अलामत ना है
तो चाहे उसकी वैल्यू एक धर्म से कम हो या एक धर्म से ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, आप उसको अपने लिए रख सकते हैं। तो यही एक मोरद है जहां पर ये मिला हुआ माल जो है सल्लम यानी कतार बनता है, वरना तो ये बवाल बनता है। ये एक ही मोरद है जहां पर आप कह सकते हैं डॉक्टर भी ऐसा नवाज के आपको अब उसमें अगर करामत ना हो तो वो चाहे एक धर्म से कम हो उसकी वैल्यू या एक धर्म से ज्यादा। अब धर्म क्या है? एक धर्म तो जूरी में चलता है जो तकरीबन 76, 77, 78 आगे पीछे ऊपर नीचे आजकल हो गया है, सबसे 80 रुपए का धर्म, ये वो धर्म नहीं। धर्म जाति का वो सिक्का जो पुराने जमाने में 40 था, जो तकरीबन 2.4 आला जाने 2.5 बोल रहा हूँ फिगर, 2.5 ग्राम चांदी के बराबर, तो ऐसा कम है लेकिन 2.5 बोल रहा हूँ। और 2.5 ग्राम चांदी की आज पिछले हफ्ते जो मैंने चेक किया था उसके हिसाब से तकरीबन 650 रुपए की वैल्यू बनती है। अब ये माल जो आपको मिला है इस पर अलामत नहीं है, तो चाहे 650 से कम वैल्यू का हो चाहे 650 या उससे ज्यादा वैल्यू का हो, अगर उस पर कोई अलामत नहीं है तो उस माल को आप अपने लिए उठा सकते, वो आपने उठा लिया वो आपका हो गया। दुरुस्त, अगर अलामत ना हो। लेकिन अगर अच्छा उठा भी सकते हैं अपने लिए और ये भी कर सकते हैं रह जाते उसका लेवल के यही कि उसको आप मालिक की तरफ से खुद ना रखें बल्कि मालिक की तरफ से सरका लें। अगर आपको मतलब 600, 700, 800, 1000 रुपए की 1000 रुपए का नोट मिल गया वो खुद बगैर अलामत वाली चीज है, तो आप चाहें तो खुद रख लें। और एहतियात है उसका भी है कि इसको किसी भी दीदार शरीफ वकील को आप माली की तरफ से सरका दे दें। एहतियात है मुस्तफा को मान कर मुझे भी लगता है कि शायद कोई विशेष एहतियात है मुस्तफा पर अमल करने वाला पैदा हो तो जेब में आने की गुंजाइश है तो बहुत चीज को सरका दे दो भाई, पर अपनी जगह पर एहतियात है मुस्तफा है। अच्छा ये वो हो गया कि अगर उस पर अलामत हो ना हो, अब अगर अलामत है कोई भी अलामत जिसे मैं पिछली दफा की बहुत वजाहत से बात कर चुके हैं, मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा अलामत को, अगर माल पर किसी भी तरह से अलामत है जिससे मालिक तक पहुंचा जा सकता है और मालिक को पहचाना जा सकता, तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं कि अगर ये एक दिरहम से कम है तो उस सूरत में कहते हैं कि अलामत होने के बावजूद अगर इसकी वैल्यू एक दिरहम से कम है यानी 650 रुपए से नीचे की चीज है तो मालिक को ढूंढने के लिए तहकीक वाजिब नहीं, जुस्तजू करना वाजिब नहीं। अलबत्ता खुद भी नहीं रख सकता, यानी खुद रखने में इश्काल के एहतियात वाजिब भी बना खुद ना रखे फिर करें क्या, मालिक को ढूंढना वाजिब नहीं, इस पर खुद एहतियात के बिना पर रख नहीं सकता। तो कहते हैं एहतियात के बिना पर इसे मालिक की तरफ से किसी भी दीदार शरीफ वकील को सरका करते हैं, यानी इसमें एक सदके का ऑप्शन है कि वो सरका करते हैं दुरुस्त मालिक की तरफ से, लेकिन सदके में मालिक की नियत करेगा। ये उस सूरत में है कि अगर ये माल दिरहम से 650 रुपए की मालियत से कम हो, लेकिन अगर माल जो है 650 या उससे ज्यादा का, 650 एक दिरहम जितना भी शामिल है और एक दिरहम से ज्यादा दोनों का एक ही मतलब कि अगर ये माल जो आपको मिला है पब्लिक प्लेस से मिला है उसकी वैल्यू एक दिरहम यानी 650 रुपए या उससे ज्यादा है तो उस सूरत में फरमाते हैं कि अगर इसने इसको उठाया है तो इसको एक साल तक इस माल का ऐलान करना पड़ेगा। अब ऐलान कहां करेगा कैसे करेगा ये इंशाल्लाह बात है, लेकिन एक साल तक पटी उसके गले पे। अच्छा देखिए मसला है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी खुद तय करनी है और जिम्मेदारी तय करने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने गुलाब को हाल हाल में खाते हुए तय करे, मुझे धोखा दे सकता है अपने आप को धोखा दे सकता है मगर गुलाब को फिर भी धोखा नहीं दिया जा सकता। तो अपने और अपने गुलाब को हाल हाल में खाते हुए तय करेगा कि
मैं जिस कैफियत में हूं कह रही हूं, जबरदस्ती की बधारी नहीं है कैफियत। हमारी मुश्किल सबसे बड़ी ये होती है कि हम लोग जबरदस्ती कैफियत तारी करने में मास्टर। कोई मसला बताओ मसलन पार करें और उसी एक्सेप्शन बताओ तो फौरन सारे एक्सेप्शन वाले होते हैं, चाहे हो वाकई में चाहे ना हो, लेकिन उनको लगेगा इन तो सारे एक्सेप्शन आई उनके लिए उतरी उनके लिए। ऐसा नहीं होता, आपको ये तय करना है और कोई वाली बात है सही तरीके से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए आपको तय करना है कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं, या आप काम इस सिचुएशन वाले हैं या नहीं है। मैं मिसाल दूं, हज में भी बड़े मसले आते हैं, वहां पे लोगों को शौक होता है न्यावत नहीं हो सकती, न्यावत नहीं हो सकती, कोई कंधर कोई उनकी तरफ से मार है, तलाक कोई उनकी तरफ से कर रहा है। अच्छा बाल सूतों में न्यावती है वहां पर, मतलब अगर एक शख्स उसके लिए कंकर मारना मुमकिन नहीं हो तो वो न्यावत करवा सकते हैं। अच्छा अब ये बता दो तो सारे कहेंगे हमारे मत कर ले दो भाई, आप भी बोल साहब आप तो जाहिर है हमारे भी ले लें, सब उसी कैटेगरी में चले जाते हैं हमारे तो मुमकिन नहीं है। जबकि वो जो मुमकिन नहीं वाले होते ना उनको लेके जाते हैं खड़ा करके मरवाते तो बड़े आराम से मार के आते हैं, वो लोग हैं जो मुमकिन ना वाले होते हैं अपने हिसाब से। तो कहने का मकसद ये है कि फौरन फैसला तो कर लेंगे हम, तो उस कैटेगरी के हैं जिसके लिए ये मसला आसान वाला मसला है, मुमकिन है आपके लिए मुश्किल वाला मसला हो लेकिन आप अपने आप को उस कैटेगरी में जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हो जबकि आपको अपने आप को उस कैटेगरी में ना डालना। यहाँ पर एक मसला है, मैं जितनी जमीन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मसले से सूए समाधान ना किया है, इसको मिस यूज ना किया है। और वो मसला ये है कि अगर कोई शख्स देखिए ऐलान एक साल का, लेकिन ऐलान उस सूरत में है कि एक साल में खेचना है कि जब आप एक साल के दौरान कहीं पर मायूस ना हो जाए मालिक के मिलने से, जहां आप मालिक के मिलने से मायूस हो गए जिस मरहले में भी वहीं पर आपके ऊपर से ऐलान खत्म हो जाएगा, वो माल चेंज हो जाएगा मौजूद मालिक में, हाकिम की तरफ से इजाजत लें और किसी भी दीदार से जुड़ी को जब्त कर। अब ये जो है ये खुद एक बेनिफिट देने वाला मसला है ना कि ऐलान की झंझट में मैं तो नहीं मायूस उठाया, अभी तक उठाया भी नहीं तो मायूस भी हो जाता है और मायूस होने का और उठाता है। ऐसा ना करें, अपनी जिम्मेदारियों से फरार ना करें, क्योंकि देखें आज आप फरार कर लेंगे कल को तैयार ना करें, पिछली दफा बैठ के तो बंधक आसान बढ़ना नहीं, आज यहाँ से आप फरार कर जाएंगे लेकिन कल बंधक में जब बचेंगे और जब हमें ड्राइंग रूम की सैर कराई जाएगी तो आपको पता फिर ड्राइंग रूम में क्या होता है यहाँ की। तो इसलिए कोशिश करेंगे काम खुद अंदाज से करें कि कल को आप खुदा का जवाब, कल को जब आप खुदा की मुकाबले में खड़े हो खुदा आपसे सवाल जवाब करे तो आंखें ना चुरानी पड़े बल्कि आप आंखों में आंखें मिलाकर जवाब दे सके। उनका बाप कहे कि खुदा की बात ही नहीं होती तो हम मिलाएंगे कैसे, तो कोई अलग मसला है, किसी ना किसी आंख मिलाने वाले खुदा वहां पे खड़ा कर देगा, उसकी टेंशन ना। लिहाजा इस अंदाज से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं कि आपको कल को फैलाने में से कोई परेशानी ना। तो ये मसला अपनी जगह पर है। हाँ और से बात होता बोलते हैं कि आपको किस ऐसी जगह से मिला है, आप बिल्कुल आखिरी हाथ के वहां से निकलने वाले, किसी का अगर अब तक ऐलान हो चुका होता है या जिस तरह ग्रुप दशर पार्क वगैरह टाइप की चली होती है, इतने मुसलसल ऐलान चल रहे होते हैं, दस दिन तक पहले दिन आपको मिला, दस दिन तक आप वहां पे जा रहे हैं लेकिन कोई ऐलान ही नहीं हुआ, दस दिन में आप मायूस हो गए, होते को हो सकता है। ठीक है अगर वाकई में आप मायूस हो गए कि अब मालिक नहीं मिलेगा, कोई शरीयत भी आपको जोर नहीं लगा कि नहीं मायूस हो गए तो अपने एक साल तक लेके जाते हैं, यदि मायूस हो गए चैप्टर क्लोज, ऐलान आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गया और आप उस माल को मजदूर माल की कैसे जिसका मतलब किसी हद तक इलाज किया था इसको मजदूर माल समझे, हाकिम में शरत इजाजत लें और इसको किसी भी दीदार शरीफ होती को सरकार कर दें। तो जिम्मेदारी के बधाई तौर पर पूरे साल की आती है लेकिन बात कंडीशन में ये पॉसिबल है कि ये जिम्मेदारी जो पूरे साल की आई आपके ऊपर वो महीने दो महीने चार महीने छह महीने में वो जिम्मेदारी आपकी चेंज हो जाए और तब आपकी जिम्मेदारी का ऐलान कराना ना रहा हो, ये हो सकता है, इसको मद्देनजर रखिएगा। तो अगर अब इतना ही जिम्मेदारी नहीं है कि एक साल तक उसको ऐलान कराना है, अब अगर उस
तफसील के मुताबिक जो अभी ऐलान की आई, किसी ने ऐलान कराया और वो मालिक तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी ऐलान के बावजूद मालिक नहीं मिला, तो उस सूरत में अगर वो मालिक के मिलने से नाउम्मीद हो चुका है साल बाद, एहतियाती वाजिब की बिना पर खुद तो मालिक नहीं बन सकता, अपने लिए नहीं रख सकता, लेकिन दो में से एक काम करना पड़ेगा, एक यह कि माल को मालिक ही सरकार दे दे हाकिम शरत की इजाजत देकर, और दूसरा यह है कि माल को अगर अभी नामी नहीं हुआ तो उस वक्त तक मालिक नहीं मिला, साल हो गया पूरा लेकिन नामी कभी भी नहीं हुआ, तो माल को उस वक्त तक अपने पास संभाल के रखे कि जब तक मालिक मिल नहीं जाता, फिर अगर नामी हो जाए तो फिर अगेन उसकी जिम्मेदारी चेंज हो जाएगी, उसको हाकिम इशारा को इजाजत लेकर सरकार दे दे या उस माल को हाकिम इशारा तक पहुंचा, ये तो होगी ठीक बात। अच्छा अब ये बात आई कि एक साल तक ऐलान कराना है, कहते हैं कि एक साल से मुराद एक कमरी साल है, यानी 10 दिन की रिलीफ मिल गया, 356 और 355 और 365, तो 365 दिन का साल की जरूरी नहीं क्या अपनाए, क्योंकि 355 दिनों वाला साल यानी कमरी साल अगर आप अपना लें ऐलान के लिए तो ये भी काफी हो जाएगा। अच्छा इसके बाद फरमाते हैं कि ऐलान की इब्तिदा जैसे ही आपको माल मिला है फौरन बगैर फासले के जरूरी है कि आप उसका ऐलान शुरू करवा दें, और अगर किसी उज्र के बगैर आप उसको डिले करते हैं तो गुनहगार हैं, और डिले पर सफर करें बगैर किसी वजह के आपने उठा के चीज रख दी, मुतवज्जे भी है कि ऐलान कराना चाहिए नहीं करवा रहे आप, 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद कहीं आपने सुना कोई दर्द कोई लेक्चर कोई किसी बेगम ने कान खींचे कुछ हुआ मिलाकर आपने कहा चलो करवाते हैं ऐलान, तो ऐसा नहीं है 6 महीने गुजर गए तो 6 महीने का ऐलान होगा, जब से ऐलान शुरू करेंगे उस वक्त एक साल तक ऐलान करवाना, ऐलान की मुद्दत एक साल रहेगी, 6 महीने बाद भी आप शुरू करेंगे तब भी एक साल उसको ऐलान कराना। इसके बाद फरमाते हैं कि अगर इंसान उसको यह है कि मैं अगर साल के लिए सवा साल ऐलान करा दूंगा तो मुमकिन है मालिक मिल जाए, तो कहते हैं कि एहतियातबाजी भी है कि अभी सदका ना दे मजीद ऐलान करवाए फिर मालिक मिल जाए तो मालिक को चीज दे दे और फिर ना मिले तो फिर एहतियात की बिना पर उसको इजाजत देकर सदका दे दे। अच्छा ये एक बात, दूसरा ये है कि एक साल की मुद्दत हो गई तो एक साल में रोजाना कराना है, दिन में 2 दफा कराना है, दिन में 5 दफा कराना है, क्या इसकी तादाद तादाद के एतबार से कितनी मिलान में ऐलान कराना जरूरी है, कहते देखिए कैफियत के एतबार से और तादाद के एतबार से शरीयत ने खास कैफियत और खास तादाद मुकर्रर नहीं की, बयान नहीं, एक साल में ऐलान कराना ठीक है। अब ये ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी उर्फ माशरा देखे तो कहे यहां इस बंदे ने एक साल तक ऐलान करवाया, अब मुमकिन है हर महीने में एक या 2 दफा ऐलान करा दे तो उर्फ ये कहे कि हाँ अच्छा महीने में 2 मरतबा अगर आप ऐलान करा दे तो साल में 24 मरतबा आपने ऐलान करा, लेकिन उससे अगर आपको ये कहेगा कि हाँ इसने पूरा साल ऐलान करा है तो काफी हो जाएगा, अगर ये कम पड़ रहा है इसमें उस दिन कहता थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लिहाजा इसको इसका मेयार भी बन जाएगा कुर्फ कि इतनी मेदार में आपको ऐलान करवाना है कि कुर्फन ये कहता है कि आपने पूरा साल ऐलान करवाया है। इन्होंने जो मिसाल दी है मतलब तो 3 महीने में 1 मरतबा या हर हफ्ते 1 मरतबा ऐलान करवाए या इस फ्रीक्वेंसी में 3 दिन में या 1 हफ्ते में 1 मरतबा मतलब शुरू के 3-4 महीने करवाए उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तब भी कहलाएगा कि ये एक साल इसने ऐलान कराए तो वो भी चल जाएगा, तो कोई खास चीज शरीयत की तरफ से नहीं है हमारे पास तादाद के हवाले से,
पर ऐसा होने कौन में ये कहलाए कि आपने पूरा था पूरा था कर ये नहीं कि इतना सारे कभी कभी ऐलान करवाया ये नहीं ये कहलाए कि आपने पूरा था ऐलान करवाया उतनी मिलान में आपको ऐलान कराना जरूरी है। अब ऐलान में ये भी जरूरी है कि बाइबल ऐलान करा रहे हैं। ऐलान का मकसद क्या है कि अगर जिसका ये माल है उसके कान तक आवाज पहुंचे या उस तक ये मैसेज पहुंचे तो वो उसको लगे कि ये उसी का माल की बात हो रही है तो वो आपके पास आ गए। अब ये चाहे स्पीकर से आप ऐलान कराएं घर मस्जिद में, आप चाहे मैसेजेस के जरिए मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप जो चला दें, आप चाहे अखबारों के जरिए, आप चाहे तो पोस्टर को एक सोलर लगा के पोस्टर चिपका दें, कोई भी तरीका कि जिस तरीके से ये कैफियत आपको मिल जाए कि अगर ये ऐलान ये पैगाम मालिक तक पहुंचे तो उसको लगे कि ये उसी की चीज की बात हो रही है, ये कैफियत मिलनी चाहिए, ये कैफियत हासिल होनी चाहिए कि अगर उस तक ये आवाज पहुंचे तो उसको लगे कि ये उसी की चीज की बात हो रही है ताकि वो ये आएगा फिर आपके पास। तो इस अंदाज से आपको ऐलान कराना है। अच्छा, ऐलान कराने में इब्तदाई तौर पर जिम्मेदारी आपकी अपनी है कि आप खुद ऐलान कराएं, लेकिन आप ही कराएं ये बात नहीं। आप किसी भी ऐसे शख्स को कि जो काबिले भरोसा है और आपके बिहाफ पर आपकी जिम्मेदारी को निभाएगा उसको भी ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आप पता पड़ते हैं साल भर के लिए, दो साल के लिए, फिर किसी ट्रेनिंग पर, किसी पढ़ाई पर आप जा रहे हैं, चीज सोलह हजार के लिए, आप वहां जाके मतलब वॉशिंगटन में जाके व्हाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर ऐलान करें तो उसमें क्या फायदा, इस पर तो आवाज ही पहुंच रही है आपकी। तो आपने जाते जाते ऐसे बंदे को कि जो काबिले भरोसा हो जो आपकी जिम्मेदारी को पूरा करेगा उसके हवाले कर दें और खुद आराम से जाके पढ़ाई करें, ये हो सकता है। खुद होना शर्त नहीं है, खुद या कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी जिम्मेदारी को आपकी जगह पे पूरी करे इसका आपको इत्मीनान होना चाहिए, उसके जरिए भी आप ऐलान करवा सकते हैं। अच्छा, अब मतलब फर्स्ट करें कोई चीज मिली आपको, अब क्या कहते हैं आपको, एक से कितना कहते हैं मुझे कोई चीज मिली है तो 200 आदमी की लाइन खड़ी हुई आपके घर के बाहर, तो चीजें तो बहुत छोटी घूमती है, जिसका जूता गुम है वो भी चीज, जिसका रुमाल गुम गया वो भी चीज, जिसका चश्मा गुम गया वो भी चीज, जिसकी किताब गुम गई वो भी चीज, जिसके पैसे गुम गए वो भी चीज, जिसकी सोने की कोई चीज गिर गई वो भी चीज। तो चीज तो एक बहुत ही वसी मफहूम है, कोई भी आपके दरवाजे पर आ सकता है। ये जो चीज का ऐलान करना है उसमें किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, कहते हैं उसमें दो बातों का ख्याल रखें। पहली कि इस तरीके से ऐलान करें कि जो मैंने शुरू में कहा कि जब ये ऐलान आपका उस मालिक तक उसके कान तक ये ऐलान पहुंचे तो उसको लगे कि शायद ये उसी की चीज की बात हुई है, एक तो ये ख्याल रखना। दूसरा कहते हैं पर्सनल वॉच करेंगे, अब ये भी इसका जो खास एक मैप नहीं है, मुख्तलिफ हो सकते हैं कभी मुमकिन है आपको यही ऐलान करना पड़ेगा कि कोई खूबसूरत कोई चीज मिले मुझे, लेकिन कभी आप कहेंगे कि मुझे कोई बैग मिला है, चीज को थोड़ा सा अपने दायरे को छोटा कर दिया, या आप कहेंगे मुझे कोई सोने की चीज मिली है, बाद अगर खाली चीज से काम नहीं चलता, आप कहेंगे मुझे कोई सोने की चीज मिली है, तो जिसके जिसका सोना घुमा अगर सोना को किसी का नहीं घूमता आजकल तो लोग ऐसी आर्टिफिशियल पहनते हैं, तो सोना पहनने वाले जीदार लोग जरा कम है, तो जिसकी होगी तो ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, शॉर्टलिस्ट करने का तरीका ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएगी कि 2-5 लोग ही आपके पास आएंगे, वो भी अगर आए तो, अगर इतने लोग सोना अभी पहन रहे हो तो 16,000 में मसलन। तो इस एतबार से मौकेयत के एतबार से, चीज के एतबार से, मकान की मुख्तलिफ चीजों के एतबार से आपके ऐलान की कैफियत मुख्तलिफ हो जाएगी। बस ऐलान में इस बात का ख्याल रखें कि जिसके जो साहिब माल है अगर उस तक यानी इस तरह से उसको मेंशन करें, बिल्कुल भी मेंशन ना कर दें कि हर कोई कहे ये तो मेरी है, और इतना भी मुबम ना रखें कि और करेंगे मेरी अगर भूमि हुई है इनकी भी हुई है तो मैं इनकार ही ना दूंगी ये मेरी चीज की बात हो रही है,
इस अंदाज से आपको उसको ऐलान करना है चीज के हवाले से कि अगर उस तक आवाज पहुंचे तो उसको लगे कि वो आप उसकी चीज की बात कर रहे हैं। कभी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सोने की कोई चीज मिली है, कभी ये भी मुमकिन है मेंशन करना पड़ेगा सोने की कोई अंगूठी मिली है, डिपेंड करता है मुख्तलिफ कैफियात में। एक दूसरी चीज वो ये कि चीज की सारी खसूसियात को जिक्र ना करें और ऐसा ऐलान ना करें कि हुई वाली बात है अंदर भी गई नहीं थी, इतना क्लियर इतना वादे करते उस चीज को कि उस चीज के 100 मालिक खड़े हो जाए। तो माशाल्लाह कराची है और मुसलमानों का शहर नूरों हलाल नूर, तो यहाँ तो माशाल्लाह क्या कहे बंदा। तो ये दो बातों का आपने ख्याल रखना, ना बिल्कुल मुबम ना बिल्कुल वाजे, एक दरमियानी एतबार से उसका ऐलान करें बहेस के जिसकी वो चीज है अगर उसके कान तक आवाज पहुंचे तो उसको लगे कि ये उसी की चीज का तज़किरा किया जा रहा है। फिर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को कोई चीज मिले और कोई दूसरा आके कहे कि ये मेरा माल है और उस माल की अलामतें भी बता दे, इसमें भी आगे कहते हैं कि अगर जब तक इसको इत्मीनान ना आए कि ये उसका माल है उस वक्त तक ये उसको नहीं दे सकता, इत्मीनान आने की सूरत में ये उसको दे सकता है। अलबत्ता देखिए चीज बात चीजें ऐसी होती हैं कि मुमकिन है उसकी कुछ अलामतें हैं, छुपी हुई अलामतें, अब छुपी हुई अलामतें बताना मुमकिन है शायद मुझसे मेरी अंगूठी का पूछे तो मुझे भी ना पता कि इसके अंदर की कैफियत क्या है, कोई अंदर कोई मतलब मिसाल तो बहुत से लोगों को खवातीन को तो शायद पता हो, शायद मुझे भी मालूम मर्दों को कितना पता होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि बाद जो सोने की अंगूठी होती है उसके अंदर कैरेट वगैरह लिखे हुए होते हैं या कोई अलामत लगाई हुई होती है इस टाइप की कि किस ज्वेलर का बना हुआ है क्या है। अब मुझे नहीं पता, अब मुझसे आप उसी का तकाजा करें कि वो बताओ वो क्या है, ये जरूरी नहीं। ऐसी अलामतें जो नॉर्मल होती हैं सामने होती हैं इस किस्म की अलामतें अगर वो बता दे तो वो काफी है। बहुत ही बारीक पीने वाली अलामतें कि जिसकी तरफ खुद आम तौर पर साहिब माल भी मुतवज्जे नहीं होता वो बताना या वो आना उसको जरूरी नहीं। इसी तरीके से फर्ज करें दो आदमी मर्द आगे कहें कि हाँ ये इसी का माल है, तो ये काफी है, उसमें फिर इत्मीनान की भी जरूरत नहीं। दो आदिल मर्द कोई खुद आके कहे ये मेरी चीज है इत्मीनान चाहिए, लेकिन दो आदिल मर्द आके गवाही दें कि ये इसी का माल है तो उस सूरत में इत्मीनान की भी शर्त नहीं है, क्योंकि दो आदमियों की गवाही शरीयत में हुज्जत मानी गई है, बैयना शर्ती है ये, तो बैयना शर्ती से ये साबित हो जाएगा कि उसी का माल है, लिहाजा ये माल उसको दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद से इसके ऊपर ऐलान वगैरह साबित हो जाएगा। ऐलान करना कहा और करें, नेशनल पार्क से मिला मुझे या कराची से मिला, मुल्तान जाके ऐलान कर रहा चलेगा? तो ऐलान की जगह क्या होती है? कहते हैं ऐलान की जगह ये है कि जिस जगह से आपको चीज मिली है, जरूरी नहीं कि बात चीजें ऐसी होती है कि उससे आपको अंदाजा रखे मतलब ये चीज कहाँ की होनी चाहिए, मतलब फॉर्ट करें आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं, मतलब आपके हालांकि वो तो मजूर माल की तरफ चल जाएगी, लेकिन फॉर्ट करें कि कोई ऐसी उम्मीद जगह से आपको कोई ऐसी चीज मिली है कि जिस चीज से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये जो चीज है, मतलब फर्ज करें कोई गोल्ड की कोई चीज मिली है, कोई कीमती चीज है, तो आपको ये अंदाजा है सोलह हजार की तो नहीं हो सकती, यहाँ पे लोग इतने धने खान नहीं है कि इतनी कीमती मतलब 5-7-10 लाख की चीज अंगूठी हीरे की कोई अंगूठी या ऐसा गोल्ड का बड़ा बड़ी बड़ी कीमती चीज यहाँ के लोगों को सब अंदाजे हो चुके हैं इसलिए वो तो नहीं पहनते। हाँ ये डिफेंस क्लिफ्टन वगैरह टाइप के लोग होते हैं ना, वो बरकर किस्म के लोग हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं करते, उनके पास तो माशाल्लाह वाफर मिलता है ना, एक दिन का दूसरा ले लेंगे। तो चीज की नौयत से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये यहाँ का नहीं है, अब आपको मिली यहाँ से लेकिन आप यहाँ ऐलान नहीं कराएंगे, ऐलान उस जगह कराएं कि जहां पर हुई वाली बात है कि अगर मालिक के कान तक पहुंचे, या तो मालिक के कान तक ही नहीं पहुंचेगा ऐलान। हाँ डिफेंस की मस्जिद में उसके उसकी जो इज्तिमा की जगह वहां पर आपको ऐलान कराना होगा जहां से आपको लगता है कि ये चीज वहां की, अगर आपको लगता है चीज यहाँ की होगी यहां पर ऐलान कराएंगे। खुलासा ये कि ऐसी जगह पे ऐलान कराना है कि अगर उस चीज का मालिक उस तक
पैगाम पहुंच जाए तो वो उसी इलाके में होना चाहिए, चीज कहीं की है ऐलान कहीं और करवाएं, या मतलब जुलूस से मिली आप मलीर के मलीर चले गए, मलीर की मस्जिद में बैठ के ऐलान कराई जा रहे कराई जा रहे कराई जा रहे कराई जा रहे, कोई भी नहीं मिल रहा, इसलिए मुमकिन है वो चीज तो सुन जाए। या जुलूस में मिली है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे दिनों में ऐलान कराएं कि जुलूस वाले दिन है जहाँ पे अक्सरियत लोग इधर उधर से भी आए हुए होते हैं। बस ऐलान की जगह के हवाले से वही वाली बात है कि ऐसी जगह चूज करनी है आपको ऐलान के लिए कि काबिले तवज्जो एहतमाल ये हो कि साहिबे माल तक इसका इसकी बात पहुंचेगी, आवाज पहुंचेगी। और अगर ये इम्कान आप मुताबिक जगहों के बारे में देखें मुताबिक जगह और उस तक पैगाम पहुंच सकता है, उन जगहों पर आपके लिए ऐलान कराना जरूरी हो जाएगा। अगेन फिर वो ऐलान से मुराद माइक वाला ऐलान नहीं है, आप पोस्टर चिपकाए, आप मैसेजेस चलाएं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जिसके जरिए वहां तक आवाज पहुंच जाए। बस खुलासा ये कि हमेशा जरूरी नहीं कि जहां मिली है ऐलान वही होना चाहिए, मुमकिन है मिली कहीं से और ऐलान आपके लिए जो वाजिब हो रहा हो किसी और जगह के लिए वाजिब हो रहा हो, इस बात को मद्देनजर रखे हैं। दुरुस्त जी, अब एक सूरत हाल है कि फर्स्ट में आपने ऐलान शुरू किया, खुद ऐलान करा, तीन महीने ऐलान कराया, खुदा ना खासा खुदा ना रसूल ऐसी कैफियत आ गई कि अब तीन महीने के बाद दो महीने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए, ऐलान हो गया। अब किसी को आपने बताया हुआ भी नहीं था या किसी को बोला हुआ भी नहीं था क्या उसको जानशीन अपना बनाते, अलावा वो उज्र आ गया बीच में और उज्र की वजह से तीन महीने बाद बिलफर्ज आपका ऐलान रुक गया, दो महीने के लिए रुका, दो महीने बाद ठीक ठाक होकर जब आप आए तो अब क्या करना है, आप वापिस से एक साथ यानी नौ महीने काफी है, कहते नहीं क्योंकि उज्र था आपके पास इसलिए नौ महीने मजीद ऐलान कर ले तो काफी है, दोबारा से पूरे साल का ऐलान करना जरूरी नहीं है। फिर अगर कहते हैं कि माल जो इंसान को मिला है जिन सूरतों में अभी ये बात आई कि मालिक की तरफ से सदका दे दे, मतलब मायूस हो गया तो सदका दे दे, या मुझे याद नहीं कि ये बात आई थी कि वो चीज अगर खराब होने वाली है तो क्या किया जाएगा, चले रिपीट कर देता हूं, अगर रिपीट होगा तो रिपीट, आपके चेहरों से भी लग रहा है कि आपको भी नहीं याद, आपके चेहरों से भी लग रहा है कि आपको भी याद नहीं है, चले ना आपको याद ना मुझे याद, रिपीट पढ़ देते इसलिए नई चीज ही बन जाएगी आपको। देखिए बात का होता यह है कि जो चीज आपके आपको मिली है वो ऐसी चीज है कि वो क्या कहते हैं खराब होने वाली चीज है, चार दिन चलेगी चार दिन के बाद खराब हो, ठीक है, तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में चार दिन तक तो वो ठीक रहेगी, तो चार दिन तक तो आप उसको संभाल और इस संभालने के दौरान आपको ऐलान भी करते रहना। अब चार दिन बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप इसकी कीमत अपनी गर्दन पे ले लें और इस चीज को फिर याद की हो गई चार दिन बाद, या आप कहते हैं मैं किसी की पट्टी कपड़े गले डालू मैं क्यों लू, मैं नहीं लेता ठीक है ना ले बेच दे चार दिन बाद उसको बेच दे, जो कीमत आएगी उस कीमत को फिर संभाल लें। अब फर्ज करें ना आप खुद लेने के लिए तैयार हैं ना बेचना मुमकिन है, तो फिर उस चीज को हाकिम इशारा से इजाजत लेकर सदका कर दें। और अब दो सूरतें, मालिक आने के मिलने के बाद या तो वो सदके पे राजी हो जाएगा तो ठीक है, और अगर वो राजी नहीं होगा तो फिर आपको उसकी जमानत देनी पड़ेगी, उसका एवज देना पड़ेगा। और अगर आप खुद खरीदना चाहें या क्या कहते हैं अपना किसी और को बेचना चाहें उसमें भी आगे का एहतियात यह है कि हाकिम इशारा से इजाजत लेकर इस काम को अंजाम दिया जाए। ये हो गया जनाब अली काम तक का मसला। अच्छा इसके बाद जैसे मैंने कहा कि उठाना तो वाजिब नहीं, अब एक चीज आपको लग रहा है दे दिए
उठाते हुए डर लग रहा है, दंड निकली मेरी तो क्या हुआ, उठा ली तो गले पड़ गई। अच्छा चीज भी आपको है, चीज देखिए नारा के 1200 से तो ऊपर की है, चाहे अलामत है लेकिन 650 से ऊपर की चीज है। अब आप दरमियान में अटके नहीं, हाथ लगाते हैं तो फंसने का इम्कान है, नहीं लगाते तो हो सकते मेरी चीज तो जाया हो जाए, छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई और उठा के ले जाएगा। अब क्या करें, एक तरीका इसका जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप हाथ उसके ऊपर तसल्लुत ना पैदा करें। मतलब अगर आपके हाथ में स्टिक है, आप स्टिक से चलते हैं तो स्टिक से उसको आगे पीछे करके देख सकते हैं, या पैर से आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं आएगी। जिम्मेदारी उसको आती है जब आपका हाथ उसके ऊपर आ जाए, जिम्मेदारी उसको आती है जो रिवायत का जुमला है, अलल यद मा अखज़त हत्ता तो अद्दी, जिस चीज को किसी हाथ ने उठाया है उसकी जिम्मेदारी है जब तक कि वो उसको अदा ना कर दे। हाथ से उठाने से मुराद है कि उसके ऊपर तसल्लुत हो जाए आपका, सिर्फ छेड़छाड़ करने से, आगे पीछे करने से, पैर से कर रहे हैं, छड़ी से कर रहे हैं, तो तसल्लुत नहीं बनता, इससे आपकी जिम्मेदारी नहीं आती। फिर अगर आपकी निकल है तो उठा दें, डाल दें, छोड़ के बेशक जाना चाहिए तो छोड़ दें, लेकिन एक मरतबा अगर आपने उठा लिया और अगर इस पर अलामत है तो ये अल्लाह ने की अता मत समझिएगा, ये आजमाइश समझ सकते हैं आप, अता ना समझिएगा इसको, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होगी। अब आजमाइश इस तरह कि कितना आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, निभाएंगे तो फुस तो रब्बिल काबा, नहीं लगाएंगे तो फिर सर वहां पे फुस तो रब्बिल काबा होगा, एक दुखुर वेद से मोहब्बत अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा अब एक मसला मैं और आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, टाइम भी काफी हो गया वक्त, लेकिन मैं एक मसले की जहमत आपको देना चाहता हूँ, और वो मसला है जूते का मसला। अच्छा एक हर चीज मैं और बता दूं, देखिए जूते से पहले बात होता क्या होता है, मसलन बचपन में आपने कोई चीज उठाई, आपको याद है कि आपने किसी का माल उठाया था, अब वो या स्कूल कॉलेज के जमाने में छेड़छाड़ें बड़ी होती हैं, किसी की चीज उठा ली, किसी का पेंसिल उठा लिया, किसी का शॉपर उठा लिया, किसी को दो लगा दी तो दियत वाजिब हो गई, कोई भी मिला के आपकी गर्दन पर आपको ये बात मालूम है कि कुछ माल है लोगों का, अम्मा आप उन लोगों को ढूंढना, उनको तलाश करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, या मुमकिन है बाज़ लोगों का आपको पता ही नहीं कि जिंदा भी है, जिंदा नहीं, बहुत सारे लोग अभी, अगर आप मुझसे पूछे मेरे स्कूल के जमाने के साथी या कॉलेज, मुझे कुछ नहीं पता, किसी का भी नहीं, एक बंदे का नहीं पता, सिर्फ एक बंदे का पता है, वो बंदा है जो मेरे साथी होता था, इसलिए मेरा भाई था, हम लोग साथ जाते थे, साथ आते थे, वो कहाँ रहते हैं मुझे पता, तो उसके अलावा किसी और का मुझे नहीं, दिल कहाँ है कहाँ नहीं है, जिंदा है नहीं है, कुछ नहीं पता। तो ऐसी सूरत में ये जो माल आपकी गर्दन पर आता है ये भी मजहूल माल बन जाएगा, और रद्दे मजालिम, रद्दे मजालिम मजालिम का मतलब होता है हक, रद्दे मजालिम यानी जो हुकूक हमारी गर्दनों पर हैं, अगर देखिए उसकी दो सूरतें होती है, या मालिक मालूम है या मालिक मालूम नहीं, ठीक है ना, आपकी गर्दन पर किसी का हक है, अब वो किसी या तो आपको मालूम है कौन है, आपकी रसाई भी है उस तक, तो आप जाए उसके पास उस तक उस माल को पहुंचा दें, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा आप कह यार मैं खुद नहीं जाना चाहता, नहीं बताना चाहता कि इस तरह मैंने उसका माल चोरी किया था, उसने बचपन में उठाया था, उठा तो चोरी है ना एक तरह के, बगैर इजाजत के उठाया था, चोरी जी कोई बोलते हैं, अब वो हमें हम में से शायद बहुत से ने बहुत सारी चोरियां की हो बचपन में, तो अब मैं फेस नहीं करना चाहता यार, शर्म आती है या ऐसी सूरत में, देखिए खुद जाना जरूरी नहीं, ये माल सपोर्ट करें आपने कि उसके किसी के 50 रुपए मेरी गर्दन पे, कोई रबर उठाया था, कोई शॉपनर उठाया था, अलग वो तो दाया हुआ रबर शॉपनर, सही बात है 20 साल बाद तो नहीं पड़े रहेंगे, तो उसकी कीमत फर्ज करें 50 रुपए मेरी गर्दन पर, ये 50 रुपए आपको उस तक पहुंचा, आपका नाम आना जरूरी नहीं, आपने भेजे ये पता चलना जरूरी नहीं, पर किसी भी अननोन तरीके से भी अगर आप उसको ये 50 रुपए रजिस्टर करवा दें
उसके अकाउंट में डलवाते हैं, किसी बंदे को दे गई उसको दिया कि किसी ने तुम्हारे लिए दी। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, ये माल उस तक बस पहुंचना चाहिए, आपकी गर्दन आजाद हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ये उस सूरत में कि अगर मालिक मालूम, लेकिन अगर मालिक नहीं मालूम तो अगेन ये क्योंकि उमूमी प्लेसेस वाली चीज तो नहीं है ना, तो ये बन जाएगा मजबूरी मालिक। पिछले हफ्ते मैंने मजबूरी मालिक के अहकाम बता दिए, सारे अहकाम इसमें अप्लीकेबल हो जाएंगे। मालिक क्योंकि मालूम ही नहीं है, मालिक को तलाश करना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है, मायूस है। आप पहले दिन हाकिम शरीफ से इजाजत लें, उसको मालिक की तरफ से किसी भी दीनदार शरीफ अपने को सदका करना। अच्छा, इस किस्म की चीजें बहुत सारी होती हैं। एक और चीज, मतलब एक और मिसाल दूं आपको, मतलब हमारे घर की गैलरी में बात बात कोई बॉल आ गई, कोई अब अगर फर्ज करें बच्चे को तलाश करना या बॉल के मालिक को तलाश करना मुमकिन है तो तलाश करके उस तक दें। अगर आप कहते हैं नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं, पता नहीं कहां से आई, जो बच्चे थे फर्ज करें खेलते थे आपने उनसे पूछ लगा नहीं हमारी तो नहीं है। अगर इतने ईमानदार बच्चे मिल जाए आपको कहीं उन्होंने कहा नहीं हमारी तो नहीं है, तो अब ये अगेन ये बॉल आपकी मजबूरी मालिक बन जाएगी। अगर मालिक मिलने से मायूस हो जाए तो इसको भी दीनदार शरीफ प्रति बार सत्कार कर दे, आपकी इजाजत लेकर मालिक की तरफ। जितने भी इस किस्म की चीजें हैं, जो पिछले हफ्ते भी कुछ मिसालें दी थी, कुछ इस हफ्ते आ गई, उन सब का मसला एक ही है कि उन सारी चीजों को आप जो है इजाजत लेकर हाकिम शरा की तरफ से सदका कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। यही मसला उन लोगों के लिए भी आता है कि जो ऐसे काम करते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ उनकी दुकानों में रह जाता है, मतलब दर्जी, अगर कोई दर्जी का काम करता, अक्सर अवकात होता है कि वो बाद अवकात तो लोग कपड़ा छोड़ गए, भूल गए, वो भी भूल गया, इसने भी कोई अलामत नहीं उसके ऊपर लगाई कि किसका है, नाम नहीं लिखा, बाद अवकात तो अच्छा मैं ले जाऊंगा, ठीक है वो मैं ले जाऊंगा, वो उसने इसी छोड़ गया, अब ना इसको याद ना उसको याद, अब वो 2 साल से पड़ा हुआ। तो अगेन मालिक मिलने से अगर मायूस है तो मजदूर माल हो जाएगा। सुनार है वो जब काम करता है तो उसके जायात छोटे छोटे रेते गिरते हैं, बिलाकर मालियत तो सोना है, बिलाकर उसकी मालियत तो है कुछ ना कुछ। तो अगर नहीं मालूम कि किसका है, किससे इजाजत लूं, मालिक मालूम है तो मालिक से इजाजत लेनी पड़ेगी और ये जमा करके उसको मालिक तक पहुंचाने पड़ेंगे, वरना ये भी मजदूर माल बन जाएगा, इसको सदका करना पड़ेगा। या और बाद अगर दुकानों पे होता है कोई पकड़ा के चला गया, अच्छा ये रखो यार मैं जरा चीजें लेकर आ, वो चीजें लेकर वो भी भूल गया, आप भी भूल गए, अब वो 2 महीने से उसका थैली आपके पास पड़ी है, अब आप परेशान हैं। जब भी मालिक मिलने से मायूस हो जाए हाकिम शरा से इजाजत लें, किसी भी दास शरीफी को मालिक की तरफ से सदका कर दें। ये सारी उन चीजों का मसला है कि जो आपको आपके घर में रह गई हो, आपकी दुकान में रह गई हो, अब मालिक मिल ना रहा हो और वो चीज जो है आपके पास पड़ी रह जाए, तो अब आपको उसे किसी भी दीनदार शरीफ फकीर को सदका देना होगा। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मसला ये है कि और दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मजलिस में गए, अब चाहे आप मजलिस में जाएं, इमाम बारगाह में जाएं, किसी के घर में जाएं, कहीं पे भी जाएं, मजलिस में गए, नमाज में गए और किसी भी ऐसी जगह पे गए मुसलमानों के किसी इलाके में, और जब बाहर निकले तो जूते बाहर, चलो गायब हो गए तो गायब हो गए, वो तो गए, लेकिन बात होता है कि आपके गायब और आपकी जगह पर उसी जैसे कोई दूसरे जूते पड़े। जब हम निकलते हैं बाहर मस्जिद से महफिल से तो आपके अपने जो जूते थे वो तो गायब है, लेकिन आपके अपने ही जूतों से मिलते जुलते जूते वहां पे पड़े हैं। ये बहुत पेश आता है मसला, तो बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं अब इन जूतों को हम लेके चले हैं, ये हमारे ये हम नहीं उठा सकते। अब ये जो जूता हमें नजर आ रहा है, अगर तो इंसान को वो पता चल जाए किसी भी तरीके से उसको पता है यकीन हो गया
कि ये जो जूता पड़ा हुआ है तो जो भी इसका मालिक वो इसमें तसर्रुफ करने पर राजी है, ये अगर आपको यकीन हो जाए। तो जैसा यकीन है आपको, मतलब फर्क है, आपको ये यकीन है कि वो तसर्रुफ करने पर राजी है, वो इस बात पर राजी है कि आपने, आप ये यकीन हो जाए कि वो तसर्रुफ करने पर राजी है, यानी आप उसको किसी को सदका देते हो, जिस तसर्रुफ का भी तसर्रुफ का दायरा तय होगा आपकी यकीन के दायरे से, किस एतबार से आपकी यकीन होगा, तो वही तसर्रुफ आप उसमें कर सकते हैं, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको ये तसर्रुफ का यकीन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा, कहते हैं फिर इसकी कुछ सूरत बनती है। पहली सूरत, मुझे जो जूता देख रहा हूं कि मेरे जूते जैसा जूता पड़ा हुआ है लेकिन मेरा अपना जूता नहीं है, अगर मुझे इत्मीनान हो कि ये जूता उसी शख्स का है जिसने मेरा जूता उठाया है और वो मेरा जूता जानबूझ के और नाहक उठा के लेके जुल्मन लेकर गया, जबरदस्ती पूछ के तो नहीं लेकर गया, यानी जानते बूझते उसको पता था कि ये मैं अपना जूता नहीं उठा रहा हूं, मैं मतलब आगा का जूता जूता लेकर जा रहा हूं और जानते बूझते वो मेरा जूता उठा के ले गया। तो ऐसी एक तो ये सूरत है कि मुझे इत्मीनान है इस बात का कि ये जूता उसी बंदे का है और वो मेरा जूता नाहक उठा के लेकर गया जानबूझकर, यानी चेंज नहीं हुआ, भूले से गलती नहीं हुई, आलिमन व आमिनन व जुल्मन व जौनन, वो मेरा जूता उठा के ले गया। मौलाना साहब को बताते हैं एक दूसरा इत्मीनान ये हो कि ये उसी शख्स का है जो मेरा उठाकर लेकर गया है लेकिन वो मेरा जूता इस्तवाहन उठा के ले गया, लेके तो इस्तवाहन गया था। अच्छा देखिए बात बात होता है, बातें करते करते पहने पता ना, वरना पता नहीं जूते में क्या ऐसी खुशूसियत है कि पांव डालते आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरा नहीं लगे, तो ज्यादा खुशियत हो चुकी होती है पैर के जूते से, कि जैसे आप पैर डालते हैं आपका अपना ना हो तो आप क्लिक जरूर करेंगे, कह रही मुझे अपना नहीं लगे, लेकिन ये क्लिक उस वक्त आपको समझ में आएगा जब आप तो मुतवज्जे हो, आप किसी से बातें करते करते जूते पहने चले पड़े तो आपको भी पता नहीं चलेगा, तो जब उठाया था तो इस दबाव उठाया था लेकिन घर जाके अंदाजा हो गया होगा उसको, लेकिन फिर पलट के ना आया, यानी पता चल गया उसको कि ये मैं जूता किसी और का उठा लाया हूं, लेकिन सुस्ती अब उसने कहता है मैं अपना भी तो छोड़ आया खुद ही उठा के ले जाएगा, और सुस्ती की उसने काहली की, पता चलने के बावजूद वो वापस नहीं लाया, ये दूसरी सूरत। कहते हैं इन दोनों सूरतों में जहां पर वो जुल्मन लेकर गया है या पहले तो इस्तबा था लेकिन बाद में पता चलने के बावजूद सुस्ती काहली की वजह से नहीं आया, तो इन दोनों सूरतों में कहते हैं कि जो जूता पड़ा रह गया है अगर इसकी कीमत मेरे जूते से ज्यादा ना हो तो मैं इसको उठा सकता हूं, उसने मेरा ले लिया मैंने उसका ले लिया, अल्लाह ना खैर सदा, कीमत के बराबर हो या कम, मेरे जूते की कीमत से इस जूते की कीमत जो पड़ा हुआ है या कम है या बराबर है, ज्यादा नहीं तो मैं इसको उठा सकता हूं और हिसाब बराबर, वो जूता उसका हुआ ये जूता मेरा हो गया, ये एक सूरत, ठीक है, यानी इन दोनों सूरतों में ये काम हो सकता है। और अगर इसकी कीमत ज्यादा है, क्योंकि गलती वाला भी चांद ना जानबूझ के तो कोई ज्यादा कीमत वाला छोड़ के कम कीमत वाला नहीं लेके जाएगा, मगर ये कोई अंदाज नहीं दुरुस्त, नॉर्मली ये वाली सूरत आती है वहां पे जहां पे इस्तवान लेकर गया बाद में उसने कहा हो गया चलो कोई बात आगा गई ना आगा अच्छा जूता पहनने ये सोच के उसने छोड़ दिया। लिहाजा अगर जो ज्यादा कीमत वाला है ये जूता तो कहते हैं जो जायद कीमत, मतलब फर्क है मेरा जूता जितना 200 रुपए का या 250 रुपए का, तो 50 रुपए जो ज्यादा है ये 50 रुपए बन जाएगा मजमूआ, क्योंकि पता तो नहीं है ना कौन लेकर गया, कि तो सिर्फ अपने अंदाजों पे कहानी चला रहे कि जो लेकर गया है वो सुस्ती करके नहीं आया वहां, लिहाजा ये जो 50 रुपए इजाफी कीमत है ये मजूर माल बन जाएगा और इसके ऊपर वही मजूर माल वाला हुक्म जारी होगा
कि हाकिम शरा से इजाजत लेकर अगर मालिक मिलने से मायूस हो जाए तो सरकार। ये होगी दो सूरत। तीसरी सूरत, ये जो ऊपर हमने कहा दो इत्मीनान, पहले इत्मीनान ये था कि उसने जुल्मन हो नाहक लेकर गया, यानी समझे चोरी की। दूसरी सूरत में इत्मीनान ये था कि इश्तबा किया लेकिन बाद में उसको पता भी चल गया लेकिन फिर भी लेकर गया। कहते हैं कि दोनों ना हो, ना उसको ये इत्मीनान हो कि गस्त वो चोरी हुआ है, ना ये इत्मीनान हो कि वो कोताही कर रहा है, इश्तबा से उठा के लेकर गया है। यानी इन दो सूरतों के अलावा कोई सूरत अगर बने तो वो डायरेक्टली मजहूल माल बन जाएगा, और अगर आपने उठाया है तो आप मालिक ढूंढे, मालिक मिल जाए फब्या, ना मिले मायूस हो जाए तो उसको मालिक की तरफ से सरका दे। ये है जूते का मतलब। तीन सूरतें बनती हैं, दो सूरतों में आप उसको खुद रख सकते हैं और एक सूरत में आप उसको खुद नहीं रख सकते बल्कि उसको मजबूरी माल माना जाएगा और आप उसको मालिक की तरफ से मालिक ना मिलने की सूरत में सरका कर सकते हैं। ये कुछ लोकता के अहकाम थे तो तकरीबन मेरे जेहन में थे, जो अहम अहम थे सारे तो नहीं मैंने बयान किए, वो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखें कोई और मौजू होगा उसके साथ शुरू करेंगे। आखिर में परवरदिगार आलम से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इंतहाई बाबरकत दिन गुजरे हैं परवरदिगार, जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के अय्याम थे, उस बाबरकत वजूद के सदके में तमाम मोमिनात जिंदा मुर्दा के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, उस वजूद बाबरकत की बरकत से तमाम मोमिनात जो दुनिया से जा चुकी हैं उनकी कब्रों को नूरानी फरमा, उनके मोहम्मद वाले मोहम्मद की कब्रों बरज़ख की मंजिलों को आसान फरमा, उनकी बरज़ख उनके लिए सहल फरमा, कोई कोताही हुई हो कहीं पे मुश्किलात में हो परेशानियों में हो तो उनको बरज़खी मुश्किलात और परेशानियों से निजात अता फरमा, उनके मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम मोमिनात जहाँ कहीं भी मौजूद हो सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, जो बेरोजगार हो रोजगार अता फरमा, जो बरसर रोजगार है उनकी रोजी में बरकत इनायत फरमा, जो मकबूज है उनके कर्जों को अदा फरमा, जो बेहद मोहम्मद वाले मोहम्मद जो बेऔलाद है उनको औलाद सालों सभी इनायत फरमा, जो साहिबान औलाद उनकी औलाद को नेक साले करार दे, हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए वाकिया सालेहात में करार दे। बेहद मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात मौजूद है खासतौर पर हाजिर में महफिल इनके मुतालिकीन जिन्होंने खास तौर पे बीमारी के लिए इल्तिमास दुआ कहा है, जो इसको जेन में है जो जेन में नहीं है मंजूरान नजर सबको सेहत कामला और आजदा इनायत फरमा, हम सबको इमाम के आवाम अनुसार से करार दे, इमाम के दिल को तराजू खुशनूद फरमा, इमाम के जीवन में ताजीर फरमा, रब्बाना तक़बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउ दुआ।